शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। पार्वती का रोल काव्या करेगी। आयुष्मान ऑडिशन पार्वती के रोल के लिए चल रहा है क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं शिव का कैरेक्टर तुमसे बेटर और कौन प्ले कर सकता है। कॉलेज तो सिर्फ मोहल्ले वालों की मदद करने वाला था। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रस्ताव रखा था और करण सर मान गए। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। फिर से फोन मत करना मुझे। आयु एक बार मुड़कर तो देखो। हो गया, जाओ अब मैं। ये सड़ू आयु को हो क्या गया? मां मैं आ गया। मां चलो खाना खा लेते हैं। आती हूँ बेटा। आप फिर से पापा की तस्वीर देखकर बात कर रही थी। इस घर में कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? दिन भर तो बिजी रहते, तेरे पास एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है। इसीलिए अपना मन हल्का करने के लिए तेरे पापा की तस्वीर से बात कर लेती हूँ। दो अपनी कह देती हूँ, दो उनकी सुन लेती हूँ। तो क्या कहा आज पापा ने? कह रहे थे कि तू आयुष से कुछ कहती ही नहीं है। अरे जल्द से जल्द उसकी पढ़ाई पूरी होके उसे घोड़ी चढ़ा दे। ऐसा कहा पापा ने? और नहीं तो क्या? कह रहे थे एक सुंदर सी सुशील सी बहू ले आ जिसे मेरा अकेलापन दूर हो सके। हाँ बहुत अच्छा तरीका है माँ, बहुत अच्छा तरीका है पापा के नाम पे अपनी बात मनवाने। हाँ तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ? हर लड़के की माँ अपनी बहू का बेसब्री से इंतजार करती है। माँ अभी कॉलेज पूरा नहीं हुआ और आपकी बहू की डिमांड शुरू हो गई। सच में ऐसा लगता है कि आपका भी दिमाग खराब हो गया। और किसका खराब हुआ है, तेरा या काव्या का? काव्या से मिला माँ। इस बार पार्वती का रोल काव्या ही करेगी तो फिर क्या दिक्कत? तुझे पता है तेरे पापा ने और मैंने लव मैरिज की थी। बहुत प्यार करते थे तेरे पापा मुझसे पर डरते थे कहने से। फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और मेरे सामने अपने प्यार का इजहार किया। मैंने झट से हाँ कर दी और वो बहुत खुश हुए थे, बहुत। ठीक उसी तरह जिस तरह अब तू खुश है। मतलब अब तू भी हिम्मत जुटा। माँ अब बस कीजिए ना, आइए खाना खाते। अरे इसे क्या हुआ, कहीं काव्य से झगड़ा करके तो नहीं है? अरे आयुष्मान तुम खड़े क्यों? आओ बैठो, तुम इस शो के डायरेक्टर हो। कम सिट। हमारे फाइनल राउंड की फाइनल पार्टिसिपेंट है सना आहूजा।
आप देवों के देव महादेव हैं। आप मेरे प्रेम की जितनी भी चाहें, पर अब आई एम सॉरी, अब वन मोर चांस प्लीज। ठीक है, थैंक यू। आप देवों के देव महादेव हैं। आप मेरे प्रेम की जितनी चाहे परी अरे परीक्षा नहीं बोल पा रही हो तो एग्जाम बोल दो, मॉडर्न प्ले हो जाएगा हमारा। वाटर प्लीज। सर, मैम, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आयुष्मान को स्टेज पर बुला सकती हूँ? आफ्टर ऑल शिवजी का रोल तो आयुष्मान ही प्ले करने वाला है ना। आयुष्मान जाओ, आखिर शिवजी का कैरेक्टर तुम ही प्ले कर रहे हो ना। सर ऑडिशन में आयुष्मान, शी नीड योर हेल्प। आयुष्मान, अगर तुम शिवजी बनोगे तो फिर मैं पार्वती डेफिनेटली बन जाऊंगी। तुम शिवजी की लाइंस बोल दो, फिर उसके बाद तो पार्वती की लाइंस अपने आप आ जाएंगी। फिर मुझे थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी ना, राइट? प्लीज। ठीक है पार्वती, तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक ओगड़, योगी बैरागी। मैं किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहता। ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए कठिन परीक्षा होगी। आप देवों के देव महादेव हैं। आप मेरे प्रेम की जितनी चाहे परीक्षा ले सकते हैं, और मुझे इस बात का विश्वास है कि अपनी तपस्या, संकल्प, तप और प्रेम से एक ना एक दिन आपके मन को अवश्य जीत पाऊंगी। आपके प्रेम के सिवाय मुझे इस जीवन से और किसी भी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी अर्धांगिनी बनना है महादेव। माय डियर स्टूडेंट्स, सारे पार्टिसिपेंट्स के परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि सना आहूजा हमारे इस प्ले में पार्वती का रोल निभाएगी। और इस अनाउंसमेंट के साथ साथ मैं इस ऑडिशन के समाप्ति की घोषणा करता हूं। आयुष्मान बेटा, अब बिना वक्त गवाए तुम सना के साथ रिहर्सल शुरू कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। सर मेरा ऑडिशन अभी बाकी है। अब ये कैसे आ गई?
काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आपने इसे ऐसी हालत में आने क्यों दिया? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है, लेकिन जो प्ले हमारे मोहल्ले की शान है, जिस पर हमारे पापा जी की नजरें टिकी है, जो प्ले तुम डायरेक्ट करने वाले हो, उस प्ले के ऑडिशन में हिस्सा ना लेने के दर्द से तो कम ही है ना। नतीजा चाहे जो भी हो, भागीदारी तो होगी और शिकस्त भी दी जाएगी। पर तुम्हें पता कैसे चला कि यहाँ पे ऑडिशन्स हो रहे हैं? बहुत आसान था। कल जब तुम मुझसे झगड़ा कर जा रहे थे और मैंने तुमसे मुड़ने के लिए कहा था, तुम मुड़े जरूर थे, पर अपने चेहरे पर तुमने दिल की बात नहीं आने दी। हाँ, थोड़ा ज्यादा वक्त लगा था तुम्हें मुड़ने में। बस मैं समझ गई, हर बार तुम मेरे दिल की बात समझ जाते हो, इस बार मैंने भी समझ ली। काव्या, I'm sorry, मैंने बहुत कोशिश की थी ऑडिशंस रोकने की, पर इस बार मुझे कोशिश करने दो। सर, मुझे एक चांस दे दीजिए। I'm sorry, काव्या, it's not possible. मैंने अभी अभी ऑडिशन समाप्ति की घोषणा कर दी। सर, मैं जानती हूँ मैं लेट हो गई, पर एक फेयर चांस तो हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए ना। काव्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, एक फेयर चांस मिलना चाहिए। करण सर, एक फेयर चांस तो हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। सर, एज पर रूल्स आई थिंक काव्या शर्मा को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, है ना? यस करण, यू आर राइट। थैंक यू सर। आओ। मुझे स्टेज तक छोड़ दो। काव्या, मुझे देखो। हे मेरे प्राणनाथ, हे संसार के स्वामी,
आपकी महिमा तीनों लोकों में अपरंपार है। चर अचर मनुष्य नाग देवताएं सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप देवों के देव महादेव हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान करें। आपके प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, चाहे ग्रीष्म के धधकते सूर्य का प्रचंड तप हो या शीत की कड़कती ठंड का प्रकोप, मुझे किसी चीज की परवाह है ही नहीं। निर्जल रहूंगी पर आपकी तपस्या करती रहूंगी जब तक आप मुझे अपना जोगन ना मान लें। मुझे इस जीवन में आपके प्रेम के अलावा किसी और चीज की अभिलाषा है ही नहीं। मैं बस आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ महादेव, बस आपकी अर्धांगिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंपटीशन किसी भी स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने और उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने में कितनी मददगार साबित हो सकती है ये अभी अभी आपने अपनी आंखों से देखा। आपने सना आहूजा का ऑडिशन देखा, बहुत ही अच्छा था। फिर आपके सामने आई काव्या शर्मा, जिन्होंने अपने पैरों में लगी हुई चोट की परवाह किए बिना ही इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया जिससे हम सबका दिल जीत लिया। आप सारे स्टूडेंट यहां पे मौजूद हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि पार्वती के किरदार में आप किसे देखना पसंद करेंगे, सना को या काव्या को? काव्या, 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 ओके 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 ओके। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और प्राउड फील हो रहा है कि हमारे प्ले की पार्वती होगी काव्या शर्मा। थैंक यू करण सर, मैं आपको अपना शिव मान चुकी हूं। जब मैं शिव हूं तो मेरी पार्वती काव्या के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। काव्या शर्मा, मैं इतनी आसानी से तुझे पार्वती बनने नहीं दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे वाह, देख कितने अच्छे से दोनों हाथ छप गए, है ना? अरे वाह। पर माँ, हम ये कर क्यों रहे? बेटा वो क्योंकि ये एक परंपरा है। देखो बेटा, जब भी हमारे घर की बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसका वर ढूंढने से पहले हम अपनी कुल देवी के पास ये सूप अर्पण करते हैं ताकि एक अच्छा वर मिलने में वो हमारी मदद करें। अरे शर्मा बे, बेटा एक न एक दिन तो हर बेटी को अपने अगले घर जाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। हर माँ बाप का यही सपना होता है। अब भाई हमारी बिटिया के लिए राजकुमार तो एक दिन में नहीं मिलने वाला, तो हमने सोचा कि आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, हम ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा सुनो,
तुम्हारी माँ को और मुझे एक घंटे के लिए बाहर जाना है। चलो पार्वती। चलो। अरे हाँ, तुम्हारे पांव का दर्द कैसा है बेटा? अब ठीक है पापा जी। अच्छा सुनो, पृथ्वी घर पर ही है, कुछ भी जरूरत पड़े तो आवाज देना उसे, हम आते हैं। करण सर, मैं तो आपको अपना राजकुमार मान चुकी हूँ, पर किस्मत को भी तो जल्दी संकेत दे देना चाहिए ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तो पापा जी ने भी तैयारी करना शुरू कर दिया है। शिव जी, अब आप ही कुछ करो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और प्राउड फील हो रहा है कि हमारे प्ले की पार्वती होगी काव्या शर्मा। काव्या बिल्कुल सही कहती है, लाइफ में वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। अब देखो मेरी लाइफ में भी वही हो रहा है, मुझे हर वो चीज मिल जाती है जो मेरे लिए बनी होती है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आज शाम को फाइनली काव्या पार्वती बन जाएगी और फिर उसकी पहली विश भी पूरी हो जाएगी, बोट को रात में देखने की विश। बस फिर उसी हैप्पी मूड में मैं उसे कह दूंगा, बता दूंगा काव्या को कि मैं उससे कितना 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 प्यार करता हूं। गुड लक तो आज मैं बनाऊंगी इस इवेंट की। आज रात जब काव्या पार्वती नहीं बन पाएगी और सारी तालियां मुझे मिलेंगी। शुरू होने में 2 मिनट बाकी है, एक बार जाके काव्या को देख लेता हूँ, पार्वती की ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही होगी वो। तुम्हारी हर खुशी की वजह बनना चाहता हूँ कभी, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी?